सो यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज को ऑलरेडी फिल कर दिया है और आईज को प्राइम करके रखा है। सो चलिए फटाफट से आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के इस पैलेट से पिंक शेड को पिक किया है और ये मैट है बिल्कुल। सो एक फ्लफी से ब्रश में मैंने पिंक शेड को लिया है एंड उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज में। एक ही बार पिक किया है एंड उसी कलर को मैं अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से पर्पल कलर पिक किया है एंड जहाँ पर मैंने पिंक कलर प्लेस किया था एग्जैक्टली उसके अंडर में मैं इसको प्लेस कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द पर्पल। आई शेडो को बिल्कुल आईब्रो तक नहीं जाने देना है, आपको आईब्रो से थोड़ा सा नीचे की तरफ पे ही उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बहुत ही लाइट ब्लेंडिंग आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ से ये ब्लैक शिमरी शेड पिक किया है और एक बहुत ही छोटा एंड पतला सा ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे क्रीज बना रही हूँ। क्रीज अच्छे से ड्रॉ होने के बाद अगेन मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और मैं इस ब्लैक आई शेडो को भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल हार्श लाइन जैसा नहीं दिखना चाहिए, ये अच्छे से ब्लेंडेड दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने और साथ ही में मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है ब्रश में और आप जैसे देख सकते हैं वैसे धीरे धीरे मुझे कट क्रीज ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैं कट क्रीज जब ड्रॉ कर रही हूँ मैं ब्लैक आई शेडो जो है उसके अंदर यानी उसके नीचे की तरफ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो जब आप अपनी आई शेडो बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा क्रीज वहाँ बनाएं, थोड़ी सी अपनी नेचुरल क्रीज के ऊपर बनाएं ताकि जब आप कट क्रीज करेंगे तो वो आपकी नेचुरल आईलेट पे आ जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पे सेम पिंक आई शेडो लिया है एंड उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे। आउटर कॉर्नर को अगेन मैं पिंक एंड पर्पल करने वाली हूँ और हल्का हल्का सा उसे मैं अपने मिडल लिड तक लेके जाऊंगी ब्लेंडिंग करते हुए। उसके बाद मैंने इस पैलेट से ये सिल्वर शिमरी शेड पिक किया है एंड इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी अपने इनर कॉर्नर्स पे। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। हर चीज़ जो आप अप्लाई करते हो ध्यान रखिए कि वो ब्लेंड अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ वहाँ पे लगा के आपको छोड़ नहीं देना है, अच्छे से ब्लेंडिंग करिए। और सेम शेड को मैंने एज अ हाईलाइटर भी यूज़ किया है ब्राउ बोन्स पे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन की कोलोसोल काजल अप्लाई की है। आप चाहें तो यहाँ पे व्हाइट काजल, न्यूड काजल, ब्राउन काजल, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल आईलाइनर लगा के भी छोड़ सकते हैं, आपको विंग्ड आईलाइनर लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज जो हमारा आई शेड है वो ऑलरेडी हमने विंग्ड की तरह ही लगाया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए आईलाइनर लगाते वक्त मुझसे भी ये गलती हुई थी और आईलाइनर जो है मेरी थोड़ी सी लिड पर लग चुका है। तो मैंने क्या किया है कि उसे थोड़ा सा ड्राई होने दिया है। जब वो गीला है तब उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, उसे थोड़ा सा ड्राई होने देना है। और जब वो ड्राई हो जाता है अगेन सेम शेड जो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पे लिया था वो सेम शेड को मैं फिंगर की हेल्प से वहाँ पे अप्लाई कर दूंगी और उसको हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग कर दूंगी। ऐसा करने से हमारा आई शेडो भी नहीं बिगड़ेगा और वो आईलाइनर का जो स्पॉट था वो भी निकल जाएगा। अब नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे। अच्छे से इनको कोट कर देना है ताकि आपका जो आई शेडो का कलर कुछ गिर जाता है आई लैशेस पे वो ना दिखे। इसे अच्छे से कोट करने के बाद मैं फेक आई लैशेस अप्लाई करूंगी। एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये आई लुक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइज।